पुनर्जीवित प्रभु में मेरे प्यारे भाइयोता बहनों, आज ईस्टर संडे है। प्रभु येसु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का महापर्व है। जैसे आप जानते हैं, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता ही है। वैसे तो बिना गुड फ्राइडे के ईस्टर आ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु येसु ख्रीस्त के मृत्यु के बाद प्रभु का पुनरुत्थान हुआ। जैसे सुसमाचारों में लिखा है, बड़े सवेरे सप्ताह के प्रथम दिन कुछ स्त्रियां प्रभु येसु ख्रीस्त के कब्र के पास गए, उन्होंने कब्र खाली पाया और उन्होंने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन दो श्वेत वस्त्र पहने हुए यानी दो व्यक्ति यानी दो स्वर्गदूतों को उन्होंने देखा, जिन्होंने स्त्रियों से पूछा, तुम लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठे हैं। और ये स्त्रियां घबरा कर वहां से निकल पड़ती हैं, लेकिन मरियम मगदलीना फिर से जाती है और मरियम मगदलीना को प्रभु दर्शन देते हैं। बाद में शिष्यों को प्रभु दिखाई पड़ते हैं, दो शिष्य जो एम्माऊस जा रहे थे उनको दिखाई पड़ते हैं, जो अंत में प्रभु को रोटी तोड़ते हुए पहचान पाते हैं। अन्य ग्यारहों को प्रभु दिखाई पड़ते हैं, कई बार दिखाई पड़ते हैं। एक बार बड़ी भीड़ में 500 व्यक्तियों को भी के अधिक लोगों को दिखाई पड़ते हैं। अंत में संत पौलुस को भी प्रभु दर्शन देते हैं। इस प्रकार कई बार बारंबार प्रभु पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों को दिखाई पड़ते हैं और यह संदेश देते हैं, जाकर सभी राष्ट्रों को यह सुसमाचार सुनाओ, जो शिक्षा मैंने दी है वो सभी राष्ट्रों को सिखाओ, मेरे शिष्य बनाओ। प्यारे भाई तो बहनों, प्रभु येसु क्रिस्त के पुनरुत्थान का संदेश हम सभी लोगों ने सबको पहुंचाना है, क्योंकि पुनरुत्थान प्रभु येसु क्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे धर्म का, क्रिस्तीय धर्म का फाउंडेशन है, आधारशिला है, जिसके ऊपर हमारे धर्म पूरा आधारित है। यदि हम पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु येसु क्रिस्त मरने के बाद जी उठे हैं, तो हमारा धर्म व्यर्थ होगा। संत अगस्तीन हमें बताते हैं कि प्रभु येसु क्रिस्त मरे हैं, ये सभी विश्वास करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु येसु क्रिस्त मरने के बाद जी उठे हैं, इस बात में विश्वास करना एक अहम बात है। एक विश्वास के वरदान के बिना नहीं होता है। तो हमारे धर्म, क्रिस्तीय धर्म का की आधारशिला, क्रिस्तीय धर्म की नींव इस पर है कि हमारे प्रभु येसु क्रिस्त दुख भोगने के बाद, सूली पर मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे हैं, और इसीलिए उन्होंने मृत्यु पर, शैतान पर और पाप पर विजय पाई है। प्यारे भाई तो बहनों, संत पौलुस हमें भलीभांति समझाते हैं कि प्रभु येसु क्रिस्त के पुनरुत्थान में, प्रभु येसु क्रिस्त के नए जीवन में, प्रभु येसु क्रिस्त की महिमा में हम भी भाग ले सकते हैं। यदि हम प्रभु येसु क्रिस्त के दुख भोग में भाग लेंगे, उसकी मृत्यु में भाग लेंगे, उनके साथ हम दफनाए जाएंगे, तो अवश्य हम उसके पुनरुत्थान में भी भाग ले सकते हैं। प्रभु येसु क्रिस्त के मृत्यु में भाग लेना, उनके साथ दफनाए जाने का मतलब है, बपतिस्मा द्वारा हमने इस सांसारिक चीजों को, पाप को त्यागना, पाप से शुद्ध होना, और पाप से शुद्ध होकर हम ईश्वर के लिए जीना। इस प्रकार हम प्रभु के पुनरुत्थान में, प्रभु की महिमा में भाग लेते हैं, वो सांकेतिक रूप में, सांस्कारिक रूप में, लेकिन दैनिक जीवन में हमें वास्तव में पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि पाप से बचे रहने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, हर प्रकार की बुराई को उसे को त्यागने के लिए, और इस प्रकार अच्छे कार्य करके ईश्वर के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए। यदि हम ऐसा एक जीवन बिताएंगे, अवश्य हम प्रभु के पुनरुत्थान में, प्रभु की महिमा में, स्वर्ग राज्य में
हम यह अनंत पुरस्कार अवश्य पाएंगे। प्यारे भाई तो बहनों, मैं आप सभी लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं देता हूं। ईस्टर के सभी वरदान, सभी कृपाएं और आशीर्वाद प्रभु भरपूर मात्रा में आप सभी लोगों को, आपके परिवारों को प्रदान करें। विशेषकर प्रभु का प्रेम, उसकी शांति, आशा, उसमें विश्वास, उसका नया जीवन आप सभी लोगों को प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है, मनोकामना है। हैप्पी ईस्टर एंड गॉड ब्लेस यू।